हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आयशा का किचन। आज आयशा के किचन में बन रहा है मालपुआ। मालपुआ के लिए मैंने एक कटोरी शक्कर ली है। जिस कटोरी से शक्कर ली है उसी कटोरी से तीन कटोरी आटा लिया है। ये तीन चार इलायची है, एक कप दूध है और ये शुद्ध घी है। आप तेल भी ले सकते हैं। घी को छोड़कर मैं सभी चीज़ें एक पार्ट में मिक्स करूँगी। ये शक्कर घुलने तक हम इसे फेंटेंगे। करीब 5 मिनट लगेंगे। जब शक्कर अच्छे से इसमें घुल जाएगी उसके बाद हम इसके मालपुए तलेंगे। ये तवे को हमें गर्म करना है। उसके बाद थोड़ा सा घी इस तवे पे हमें सब तरफ फैलाना है। घी डालने के बाद हमें थोड़ा सा घोल इसमें तवे में डालेंगे और इस घोल को अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसकी किनारी पर घी लगाएंगे। हमें इसे धीमी आंच पर बनाना है और जब इसमें नमी नहीं दिखेगी उस वक्त हमें धीरे धीरे इस तरीके से करना है और फिर पलटना है। अगर हम एकदम से पलटेंगे तो ये जो मालपुआ है ये टूट सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप छोटे साइज का बनाएं, बड़े साइज का आपसे फर्स्ट टाइम में नहीं संभलेगा। इस तरीके से हल्के हाथ से इसको पलटना है। थोड़ा सा घी अब हम और डालेंगे और इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लेंगे। इसे इस तरीके से चलाते हुए हम सेकेंगे। जैसा ये इस साइड सीखा है ऐसा ही हमें दूसरी साइड भी सीखने को चाहिए। यह हल्का सा हो गया है, अभी एक बार हम इसको और पलटेंगे ताकि थोड़ा सा जो उसमें वाइटनेस दिख रही है ये वाइटनेस इसकी कम होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये मालपुआ हमारा कंप्लीट है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।